हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य बाली है और मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं। और केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान। तो मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपके लिए केमिस्ट्री की लगातार वीडियो लेके आता रहूँगा, मेरी MCQ सीरीज। लेकिन पिछले टू एंड हाफ डेज मतलब कि ढाई दिन के आसपास मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैं आपके लिए MCQ सीरीज का Par-4 नहीं लेके आ पाया। मैं इस चीज़ के लिए आप सबसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया, लेकिन अब से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा। तो हमारे पास जो Par-4 है प्लस टू का केमिस्ट्री का Chapter 4, जिसका नाम है, मैंने सामने लिखा हुआ बोर्ड पर, सरफेस केमिस्ट्री। प्लस टू क्लास का है सरफेस केमिस्ट्री। तो मैं आज उसके लिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो है, MCQ वीडियो है, तो इस पार्ट को जरूर देखेगा, क्योंकि इस चैप्टर में से सिर्फ इस चैप्टर, ये चैप्टर जो है प्लस टू के सिलेबस में 5 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, और सिर्फ इस चैप्टर में से 3 नंबर के MCQ आएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे नियर डियर फ्रेंड्स हैं और जितने मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी तरह सबका भी इस कंट्री में भला हो सके, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और एग्जाम के टाइम में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के लिए दूर दूर पहुँच सके। तो लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो मेरे पास यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास यहां पर, रस्टिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास ऑप्शनल, फिजियोसॉर्प्शन। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास केमिस्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन था फिजियो ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है पास केमिस्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास नॉन ऑफ दीज, थर्ड ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा कोई MCQ आता है एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है जब तीसरे ऑप्शन में दे रखा नॉन ऑफ दिस और चौथे में दे रखा ऑल ऑफ अबव, तो मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो इसका आंसर ही नहीं होगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात की थी, लोहे को जंग लगना, ऐसा प्रोसेस है फिजियोसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन, मतलब कि नया कंपाउंड नहीं बनता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। फिजियोसॉर्प्शन में न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन मतलब कि नया कंपाउंड नहीं बनता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है केमिस्ट ऑप्शन में नया कंपाउंड बनता है। तो केमिस्ट ऑप्शन में नया कंपाउंड बनता है। तो देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन होता है लेकिन मॉइस्चर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन क्या बनाता है, Fe डॉट
XH2, Fe dot XH2, ये किसका फार्मूला है H2 के फेरन का। तो आयरन से क्या बन गया, नया कंपाउंड, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन। न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन मतलब कि केमिकल एडसॉर्प्शन, और केमिकल एडसॉर्प्शन का असली नाम है केमिज ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। तो आइए आपको सेकंड क्वेश्चन को लेने चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन द ऑयल इन वाटर इन द ऑयल इन वाटर, ध्यान देखिए, ऑयल इन वाटर इमर्शन, इन द ऑयल इन वाटर इमर्शन ऑयल इज फर्स्ट ऑप्शन डिस्पर्स फेस, सेकेंड ऑप्शन, ये था डिस्पर्स फेस, सेकेंड ऑप्शन है डिस्पर्शन मीडियम, सेकेंड ऑप्शन है डिस्पर्शन मीडियम, थर्ड ऑप्शन है ब्राउनियन, थर्ड ऑप्शन है ब्राउनियन मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन है आपका ब्राउनियन मूवमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास एटॉमिसिटी। तो ऑयल इन वाटर, बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, ऑयल इन वाटर को अगर मैं हिंदी में चेंज करूं तो बनेगा पानी में तेल। ऑयल मतलब ऑयल को बोलते हैं तेल, इन मतलब में, वाटर मतलब पानी। तो बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है वो लिखते हैं तेल में पानी, लेकिन एक्चुअल में जिसके इंग्लिश इंप्रूव होते थोड़ी सी उसका ऑयल इन वाटर को असली में बोलते हैं पानी में तेल। पानी में तेल का मतलब है वाटर क्या है डिस्पर्शन मीडियम, वाटर ज्यादा है, वाटर क्या है डिस्पर्शन मीडियम, वाटर ज्यादा है। ऑयल क्या है डिस्पर्स फेस, ऑयल क्या है डिस्पर्स फेस, ऑयल कम है, ऑयल क्या है डिस्पर्स फेस, ऑयल कम है। तो ये हमारा आंसर है, ऑयल क्या है हमारे पास डिस्पर्स फेस, ऑयल वाटर वर्सेस में ऑयल क्या है डिस्पर्स फेस। अगर एग्जाम में इसका एग्जांपल पूछ ले तो ऑयल वाटर का एग्जांपल होता है मिल्क, क्योंकि आप सभी को पता है मिल्क में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, मिल्क में वाटर की क्वांटिटी क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। और सेम टू सेम जो हमारे पास अगर वाटर इन ऑयल का एग्जांपल है, वाटर इन ऑयल का मतलब ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा वाटर क्वांटिटी कम, तो वाटर इन ऑयल का एग्जांपल होगा बटर, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो धीरे धीरे गेस करते रहिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है, और कमेंट करके बताते रहिएगा साथ साथ कि आपका जो जो सा आंसर मेरे बताने से पहले सही था। आप साथ साथ मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपके कौन कौन सा आंसर आपको पहले से आता था, तो इससे मुझे पता लगता रहेगा कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लगातार जवाब देते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, ध्यान से देखें। इन बिटवीन, इन बिटवीन AlCl3, इन बिटवीन AlCl3 कोमा MgCl2,
इन बिटवीन AlCl3 MgCl2 एंड NaCl, AlCl3 MgCl2 एंड NaCl which have highest coagulating power in between AlCl3 MgCl2 NaCl which have highest coagulating power. तो first option हमारे पास NaCl, दूसरा option हमारे पास AlCl3, थर्ड ऑप्शन है नीदर वन नोर टू, नीदर वन नोर टू, और फोर्थ ऑप्शन मेरे पास MgCl2। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स दे दिए गए हैं, एक तो दिया AlCl3, एक दिया MgCl2 और एक दिया NaCl, हमारे को डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स दे दिए गए हैं और पूछा गया है किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा, तो यहां पर हम लगाते हैं कौन सा रूल, सरल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी शर्जी रूल। कौन सा रूल लगाते हैं, हार्डी शर्जी रूल। तो हार्डी शर्जी रूल में साफ बताया गया है कि जिस में कटायन की पावर ज्यादा होगी, जिस साल्ट में कटायन का चार्ज ज्यादा होगा, यहां पर ये कटायन अल्मोनियम का चार्ज है +3, मैग्नीशियम का चार्ज है यहां पर +2, और NaCl में सोडियम जो कटायन है उसका चार्ज है +1। तो जिस कटायन का चार्ज ज्यादा होगा, हायर द चार्ज ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल, हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पार्टिकल, ये था हार्डी शर्जी रूल की स्टेटमेंट। तो हार्डी शर्जी रूल के स्टेटमेंट के हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सही है, AlCl3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो आपने ध्यान से समझा होगा इस क्वेश्चन को। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जैसे आपका आंसर सही होता है साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप सबका प्यार मिलता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, एक्वा रिजिया इज, एक्वा रिजिया इज, जो आज बोलिए एक्वा रिजिया इज, फर्स्ट ऑप्शन है 1:3 मिक्सचर ऑफ HCl एंड NaCl, सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड NaCl, ये था सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास 1:3 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, HCl एंड HNO3, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3।
तो एक क्वेश्चन है एक्वा रेजिया होता क्या है, व्हाट इज एक्वा रेजिया। पहला ऑप्शन है 1:3 मिक्सचर ऑफ HCl एंड NaCl, सेकंड ऑप्शन है 1:3 मिक्सचर ऑफ HCl एंड NaCl, थर्ड है 1:3 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, फोर्थ है 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्वा रेजिया होता क्या है। एक्वा रेजिया एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे हम मेटल के आभूषणों को, मेटल के जेवरात को, सोने चांदी के जेवरात को चमका सकते हैं, चमका सकते हैं मतलब उनके ऊपर जो डर्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जमा हो गया, अगर हम एक्वा रेजिया में डालें तो वो डर्ट पार्टिकल हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे घरों के आसपास कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं हम आपके सोने चांदी के जेवरात को अच्छे से चमका देंगे, वो उनके पास एक्वा रेजिया सोल्यूशन होता है, वो आपके जेवरात को साफ तो कर देंगे लेकिन वो आपके जेवरात की कुछ क्वांटिटी अपने इस एक्वा रेजिया के सोल्यूशन में घोल लेते हैं। तो कुछ क्वांटिटी अपने सोल्यूशन में घोल लेंगे, तो अगर आपका मान लो 20 ग्राम का सोने का सेट है, अगर उसने 1 ग्राम भी या 1.5 ग्राम भी अपने एक्वा रेजिया के सोल्यूशन में घोल लिया तो उसकी तो दिहाड़ी बन गई, मतलब 3-4 हज़ार का फायदा वो अकेले आपसे मांगा जा रहा है और आपका सामान चमकाने का आपसे पैसे भी लेके जा रहा है। तो आपको कभी भी जो घर के बाहर आते हैं ये एक्वा रेजिया का सोल्यूशन लगे कि कहते हैं हम आपके आभूषण चमका देंगे, तो आपको कभी भी उनसे चमकवाने नहीं चाहिए। मैं आपको सीधा सा बताता हूँ एक्वा रेजिया होता है ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए, थर्ड ऑप्शन 1:3 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। 1:3 का मतलब है कि 1 ml है HCl, 1:3 का मतलब 1 ml है HCl और 3 ml क्या है मेरे पास नाइट्रिक एसिड। बच्चे कंफ्यूज कहां पर होता है, 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, 3 का मतलब 3 ml HCl और 1 ml HNO3, जो कि बिल्कुल गलत है। सही आंसर है 1 ml HCl और 3 ml HNO3। और पहले दो ऑप्शन की बात करें वहां NaCl दे रखा है, NaCl तो एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन में होता ही नहीं है। तो हमारे पास सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन 1:3 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा और फ्यूचर में अपनी लाइफ में इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेगा, बहुत काम का क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत बार रिपीट होता आ रहा है, इस बार इसके पूरे 100 में से 90% से ऊपर चांस एग्जाम में आने के। तो आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इंटरेस्टिंग। जेल इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, जेल इज द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड इज डिस्पर्स्ड, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। सेकेंड ऑप्शन है लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, सेकेंड ऑप्शन है सबसे पहले ऐसा लिक्विड इज डिस्पर्स इन सॉलिड, थर्ड ऑप्शन है गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, फोर्थ ऑप्शन है लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस। तो क्वेश्चन है जेल एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड डिस्पर्स है, नहीं सॉलिड इज डिस्पर्स इन लिक्विड, इसमें सॉलिड डिस्पर्स है मतलब सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम है,
सॉलिड क्या है डिस्पर्स फेस, लिक्विड क्या है डिस्पर्सन मीडियम। दूसरे ऑप्शन में क्या है लिक्विड है डिस्पर्स फेस, सॉलिड है डिस्पर्सन मीडियम। तीसरे बताया गैस, गैस एक डिस्पर्स फेस है, लिक्विड एक डिस्पर्सन मीडियम है। चौथे बताया लिक्विड है डिस्पर्स फेस है और गैस एक डिस्पर्सन मीडियम है। तो मैं आपको पहले से बता दूं, आप सभी ने खुद जेल इस्तेमाल किया होगा, जेल क्रीम्स आती हैं, जेल बालों में लगाने के लिए आता है, या फिर जेल टूथपेस्ट भी आ गया जेल, आपने देखा होगा जेल के अंदर गैस तो कभी होती ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो क्या है बिल्कुल गलत, क्योंकि गैस का तो कोई रोल ही नहीं है। जेल के अंदर आपने देखा होगा सॉलिड होता है और लिक्विड होता है, तो जेल के अंदर दो ही होता है, सॉलिड इज डिस्पर्सन लिक्विड और लिक्विड इज डिस्पर्सन गैस। तो आप ध्यान से सोचिए जेल में क्या पार्ट ज्यादा होता है, जेल में सॉलिड पार्ट ज्यादा होता है, जेल में सॉलिड पार्ट ज्यादा होता है, तभी तो हम उसे हाथ पे लगा के मलते हैं और अपने बालों में लगाते हैं, ठीक है जी। तो सॉलिड पार्ट इन दोनों में से किसमें ज्यादा है, पहले वाले में सॉलिड डिस्पर्स फेस है कम है, दूसरे वाले में सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉलिड यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम है। और आपने देखा होगा जेल लगाते हैं थोड़ा बहुत गीला भी लगता है, वो किस वजह से लगता है लिक्विड की वजह से, तो लिक्विड का उसमें डिस्पर्स फेस। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन गलत है, पहला गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। तो ये था हमारे पास पांचवा क्वेश्चन, ये था हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा, कमेंट बॉक्स में वीडियो देखते टाइम साथ साथ कमेंट कर दीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही है, और जो कोई डाउट होता है चैप्टर का रिगार्डिंग आप चैप्टर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए, ताकि मैं आपको जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकूं। और लास्ट में जाते मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एग्जाम का टाइम्स है, क्या पता हमारी वजह से किसी के 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ही आ जाए CBSE बोर्ड के एग्जाम में, ICSE बोर्ड के एग्जाम में, या किसी बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन हर बार 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 डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो और लास्ट में एक बार और कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम।